हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे ही होंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मैंने फ्रेंड्स इस रेसिपी को लोहे की कढ़ाई में बनाया, तो लोहे की कढ़ाई बहुत ही आयरन मिलता है हमें, तो आप भी बनाइएगा इस लोहे की कढ़ाई में। मैंने सरसों के तेल में सब्ज़ी बनाई है फ्रेंड्स। आप मैंने सरसों का तेल डाल दिया है, उसमें दो मीडियम साइज़ के प्याज थे उसे बारीक काट के डाल दिया है। जब थोड़ा प्याज गलना शुरू हो जाती है ना फ्रेंड्स, तो मैंने उसमें हल्दी डाल दिया, क्योंकि हल्दी थोड़ा लेट पकती है और रेसिपी मेरी ऐसी है कि वे 10 मिनट में ही बन के तैयार हो जाएगी और बहुत ही टेस्टी है, बहुत ही हेल्दी है। तो फ्रेंड्स इसलिए मैंने तेल में ही हल्दी डाल दिया था। और मैंने मिर्ची आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा कि आपको तीखा पसंद है या कम तीखा ज़्यादा पसंद है। मैंने एक टमाटर डाला है, तो मैंने टमाटर डाल दिया है। अभी गैस मैंने स्लो कर दिया है, क्योंकि टमाटर खुद से पकेगा तो ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। तो मैंने इसमें थोड़ी सी कसूरी मेथी मैश करके डाल दिया। फ्रेंड्स बारिश का समय चल रहा है, बारिश होने शुरू हो गई है यहाँ पे, तो आज 2 दिन से बारिश हो रही है, तो हम लोग सब्जी लेने बाहर नहीं जा पा रहे हैं, तो जो है घर में हम वही बना रहे हैं। तो मैंने ये दूध था मेरे पास, तो मेरा दूध जो है ना फट गया था, तो अब मैं इस तरह से उसे बनाई हूँ कि बिल्कुल भी कड़वा दूध नहीं लगा। मैंने इसमें थोड़ा सा पनीर मसाला डाला है, आप गरम मसाला भी डाल दीजिएगा। मेरी रेसिपी में आप ध्यान देंगे फ्रेंड्स, मैंने मसालों का बहुत कम इस्तेमाल करती हूँ मैं, और मेरी सब्ज़ी बहुत टेस्टी बनती है। एक बार आप भी बनाइएगा और कमेंट में बताइएगा कि आपको कैसी लगती है। स्वाद अनुसार नमक डाल दीजिएगा, जिससे टमाटर को गलने में आसानी होती है। तो फ्रेंड्स जब दूध फट जाए ना आपका, तो आपके पास विनेगर है या नींबू है उसे डाल दीजिएगा, और उसे अच्छे से फाड़ के छन्नी से छान लीजिएगा। छानने के बाद जब पनीर बचता है ना, तो उसमें 2 गिलास पानी डाल के उसको धो लीजिएगा। उसको धोने से ना, जो नींबू या विनेगर आप जो भी इस्तेमाल करते हो, तो उससे उसका जो कड़वापन होता है ना सब निकल जाता है, और आपको बहुत ही फ्रेश और अच्छे टेस्ट वाला पनीर मिलता है। तो आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा फ्रेंड्स, बहुत ही आपके किचन में बहुत मदद करेगी। जिस दिन आपके पास सब्ज़ी नहीं हो ना, तो आप इसे बनाकर एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत जल्दी बनती है, बहुत टेस्टी है। दूध के फ़ायदे तो आप सभी को पता है, पनीर के भी फ़ायदे पता है, मुझे बताने की कोई ज़रूरत नहीं है फ्रेंड्स। कि आपका बच्चा अगर दूध नहीं पीता है ना, तो आप इस तरह से उसे बनाकर सब्ज़ी खिलाएंगे। अगर आप अंडा भुजिया खाते हो ना, तो उसे भी खाना आप छोड़ दोगे इसके आगे, इतनी टेस्टी होती है फ्रेंड्स। अगर आप लोगों को मेरा चैनल अच्छा लगता है फ्रेंड्स, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। ये बहुत जल्दी बन के तैयार होती है, आप इसे बच्चों को टिफ़िन में, ऑफिस में, या घर पे रात में या दिन में कभी भी खिलाइएगा, इंजॉय कीजिएगा फ्रेंड्स। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, बाय।